Hey students, welcome to our channel in focus study. So in this video we will discuss how to get admission in IGNOU. ठीक है, IGNOU में admission कैसे करते हैं, ठीक है, पूरा process मैं बताऊंगा आपको शुरू से लेकर last तक. So कोई भी doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हो. ठीक है, video को start करते हैं फटाफट. ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक information दे देता हूँ. IGNOU में अगर आपको admission लेना है, आप confusion में हो, DU best है IGNOU best है, तो मैं बता देता हूँ मैं दो तीन चीजें difference क्या क्या होते हैं. IGNOU में सबसे पहला जो हमें एडवांटेज होता है वो अपने सेंटर को चूज करने का होता है. आप अपने सेंटर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, जो कि डीयू में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डीयू में आप अपनी मर्जी से सेंटर चूज नहीं कर सकते. दूसरा चीज, इग्नू की बुक्स थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डीयू. ठीक है, और तीसरी चीज क्या होती है, आप कितने बार भी बैक के एग्जाम दे सकते हो. ठीक है, आप 3 साल तक फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे सकते हो, और ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर में बैक आई तो आप सेकंड ईयर में नहीं पहुंचोगे, सेकंड ईयर में भी पहुंच जाओगे. ठीक है, तो ये हमारे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो अब इग्नू में अगर आपको लेना है एडमिशन तो आप ले सकते हो. ठीक है, ये मैंने पोर्टल है इग्नू एडमिशन डॉट सामर्थ डॉट ईडीयू डॉट इन, इस पर क्लिक करना है, ये पोर्टल खुलेगा. अब देखो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है. ठीक है, ऑब्वियस बात है, वीडियो देख रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको. क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक किया आपने, अब यहाँ पे क्या क्या डालना है आपको, अपना यूजर नेम. ठीक है, मान लो मैंने राहुल राजपूत डाल दिया. ठीक है, फिर एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेंट नेम मैंने राहुल सिंह डाल दिया. यूजर नेम हमें वैसे स्मॉल लेटर्स में डालना होता है, तो मैं ये करके डाल देता हूँ. ठीक है, राहुल सिंह डाल दिया मैंने. फिर ईमेल आईडी आपको डालना है. ठीक है, ईमेल आईडी मान लो मेरी ये है तो मैं ये डाल देता हूँ, या कुछ भी आप डाल सकते हो जो भी आपकी ईमेल आईडी हो. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कंफर्म एडमिशन पे करना है. चलो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी पे क्लिक कर दिया, मैं डाल देता हूँ power188@gmail.com. ठीक है, ये मैंने कोई भी ईमेल आईडी डाल दी, इसको कॉपी कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने, सेम नंबर सेम ईमेल आईडी को मैंने यहाँ भी कंट्रोल बी सॉरी पेस्ट कर दिया. ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी दो बार आपको डालनी है, सेम ईमेल आईडी. फिर पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो. ठीक है, मैंने एक कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही ले लिया इसके लिए. ठीक है, फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो. ठीक है, मान लो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया 8287611. ठीक है, ये डाल दिया. फिर इसी नंबर को दोबारा आप कंट्रोल ए कंट्रोल सी सॉरी कंट्रोल वी. ठीक है, करके फिर आपको यहाँ पे ये करना है, कैप्चा कोड डालना होता है, स्मॉल लेटर्स में होता है XZBBOGO. ठीक है, बस हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन, कंफर्म हो जाएगा. कोई अगर दिक्कत होगी तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, लाइक मेरी दिक्कत क्या है, लोअर केस. हाँ, बस लोअर केस नहीं डालना है आपको, एक अपर कर देता हूँ मैं. ठीक है, एक बार और करके देखते हैं. हाँ, नंबर भी डालना पड़ेगा आपको, नंबर डाल देता हूँ मैं 8247988 कर देता हूँ. ठीक है, 98. अब देखते हैं चल जाएगा वैसे तो. नंबर आ गया, एक सेकेंड. हाँ, अब चलेगा, राहुल सिंह हो गया. सो डन हो गया हमारा. क्या दिक्कत आ रही है. अच्छा, यूजर नेम रजिस्टर्ड है तो हम इसको 2175 ऐसे कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. वेरिफिकेशन कोड दोबारा डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने चेंज किया था, ZIMULPR. ठीक है, ठीक है, हो गया हमारा रजिस्टर. सेव करते हैं इसको, यहाँ पे कैप्चा कोड डालते हैं GATUR. ठीक है, कैप्चा कोड डाल दिया आपने, लॉगिन पे क्लिक करेंगे. अब आपका इंटरफेस दूसरा खुलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेंट मस्ट हैव क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, आपके पास एक फोटो होनी चाहिए, एक सिग्नेचर का होना चाहिए, और ये 100 KB 100 KB से दोनों फोटो और सिग्नेचर कम होने चाहिए. फिर स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ लाइक 10th का मार्कशीट डाल सकते हो, स्कैन कॉपी ऑफ. अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन में क्या क्या डालनी है आपको, 10th 12th और ग्रेजुएशन. ठीक है, अगर आप बीकॉम के लिए मतलब ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो तो 12th चाहिए, मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन की चाहिए. ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो.
फी कैन बी पेड बाई फीस, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज और बता देता हूँ, चलो वो तो आगे हम करेंगे। आई हैव ये कर दिया मैंने, सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब पहला जो होगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, राहुल सिंह हो गया, मदर्स नेम मान लो संजू सिंह, गार्जियन कौन है, मदर है, मदर का नाम संजू सिंह डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर कैटेगरी मेरी मान जनरल है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लो आप, मान लो 2023, ठीक है। जेंडर मेल, इंडियन, ठीक है। टेरिटरी क्या है आपका, अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल, अर्बन कर दो, शहर में रहते हो तो अर्बन, बाकी रूरल। माइनॉरिटी से हो, नहीं नो कर दो, हो तो यस कर देना। रिलीजन में आप जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू हूँ मैं तो हिंदू कर दिया। मैरिटल स्टेटस सिंगल, सोशल स्टेटस नॉट एप्लीकेबल कर दो, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर डालना चाहते हो डाल दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल डिसेबिलिटी हो तो यस करो, वरना नो करो, ठीक है। एम्प्लॉयड हो या फिर इग्नू के मेंबर हो या अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड कर दिया हमने, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप चाहिए तो आप उसके लिए भी फिल कर सकते हो, सबमिट किया मैंने। नेक्स्ट पोर्टल खुलेगा मेरा किस चीज का, प्रोग्राम का। पहले इसको रीचेक करने का ऑप्शन दिया जाएगा, मेरा सही है सब कुछ, मैं नेक्स्ट करता हूँ। फिर प्रोग्राम कौन सा लेना है आपको, ठीक है। मान लो मुझे बीकॉम लेना है या बीए लेना है, ठीक है। तो बैचलर्स करना है आपको, बीए बीकॉम, ठीक है। 12th के बाद आप कुछ भी करोगे तो बैचलर्स लेना पड़ेगा। फिर मोड ऑफ स्टडी क्या है, ODL, ऑब्वियस बात है, ओपन से कर रहे हो आप तो ODL होगा। फिर प्रोग्राम क्या चाहिए आपको, BAG, बैचलर। अगर BA करना चाहते हो तो BAG ले लो। फिर BA में भी बहुत सारे होते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, हिंदी ऑनर्स, तो जो आपको करना है वो ले सकते हो। लाइक मैं बीकॉम का करता हूँ तो बीकॉम ये रहती है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। फिर कौन से आपको लेना है, दिल्ली से हो तो दिल्ली में भी तीन चार ऑप्शन होते हैं, दिल्ली 1, साउथ दिल्ली होता है, दिल्ली 2, दिल्ली 3, ठीक है। तो मैं दिल्ली 1 करता हूँ, मोहन स्टेट, साउथ दिल्ली वालों का। फिर इसके बाद प्रोग्राम सेंटर, अब दिल्ली में कौन सा कॉलेज चाहिए आपको, देशबंधु कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, देशबंधु पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मीडियम क्या चाहिए, हिंदी इंग्लिश। एक चीज और, मीडियम के आप दिक्कत मत लेना, पेपर कुछ भी, कोई से भी मीडियम में लिख सकते हो, भले ही आपने कुछ भी चूज किया हो। इंग्लिश चूज कर लेता हूँ मैं, पहले से स्टूडेंट हो इग्नू के, नहीं नहीं है, ठीक है। सबमिट कर दो, यहाँ पे सबमिट हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, ये दोबारा चेक करने के लिए आएगा, कोई गलती तो आप ठीक कर लो ना, बाद में भी ठीक कर सकते हो। फिर आपने 12th में क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए थे, तो मैंने कॉमर्स ली थी, मान लो मैथमेटिक्स ली थी, इंग्लिश ली थी, ठीक है, और हिंदी मान लो ली थी, ये मैंने चूज कर लिया। फिर ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में, मान लो मैं 2021 में पास हुआ हूँ, डिविजन, फर्स्ट डिविजन, ठीक है। फिर आपके कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड मान लो, सीबीएसई बोर्ड हो गया। फिर रोल नंबर क्या था आपको, 18, 55, 44, 588, ये मान लो मेरा हो गया, ठीक है। फिर ये अगर इसमें फिल नहीं करना, इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपना, जैसे क्लिक करोगे, सॉरी, परसेंटेज आप सेट कर लो 67 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका आएगा क्या, इसको रिचेक करने का, रिचेक करो इसे। फिर कोर्स पे जाओ, अब आपको सब्जेक्ट ये कुछ मिलेंगे, लाइक ये तीन सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, बीई वीएई बीसीओसी 131, 132, 135। बाकी ये जो कोर्स होते हैं आपको, बिजनेस लॉ और ये दोनों भी कंपलसरी होते हैं सेमेस्टर 2 के लिए। फिर आता है आपका सेमेस्टर कुछ को वो होते हैं, इन दोनों में आपके ऑप्शन होते हैं, दोनों ही ईजी होते हैं। हिंदी भाषा लेखन ये आप यूज कर सकते हो, ये ज्यादा ईजी है। फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन इसके लिए कर सकते हो, सिलेक्ट कर दिया मैंने, आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, एड्रेस आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, मैंने कर दिया यहाँ पे अपना एड्रेस। फिर पोस्ट ऑफिस ओखला मैंने कर दिया, सबमिट कर दो। फिर उसके बाद आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, अब इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। यहाँ से प्रीव्यू पे जाना है और यहाँ पे फीस सबमिट कर देनी है बस। प्रीव्यू में क्या होगा, आपको दिखाएगा कि आपका एक बार रीचेक कर लो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद फी का ऑप्शन आएगा, फी आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो ये हमारा था इग्नू का एडमिशन का, होप्स आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि इसके बाद हमें क्या करना होता है, क्या नहीं, कैसे आईडी कार्ड ड्रॉप करना होता है, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों का शेयर कर देना, जिसको भी नीड है, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है एडमिशन में, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।